हेलो टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड अगेन वेलकम टू द लर्निंग जोन चैनल सो फ्रेंड्स आज हम चैप्टर फिफ्थ टॉर्च पियरर्स जो हम यूपी बोर्ड का क्लास टेंथ का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं सारी बुक का इंग्लिश की तो जो प्रो सेक्शन है जिसमें फिफ्थ चैप्टर है ये टॉर्च पियरस उसको आज हम कम्प्लीट करने जा रहे हैं पूरे चैप्टर को हम एक ही वीडियो में अच्छे से कम्प्लीट कर लेंगे सो फ्रेंड्स चलिए हम आगे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पैरा वन once upon a time many centuries ago there lived an old merchant ठीक mm -hmm. है तो एक समय की बात है many centuries ago बहुत शताब्दियों पहले there lived an old merchant एक बूढ़ा व्यापारी रहता था ठीक है मर्चेंट मींस होता है व्यापारी ऑल हिज लाइफ ही हैड टोल्ड हार्ड उसने अपनी पूरी जिंदगी बहुत कड़ी मेहनत की बाइंग एंड सेलिंग किस में खरीदने और बेचने में अब जो कि व्यापारी था वो तो अब खरीदने बेचने का ही काम करता वो है ना सो विद द रिजल्ट दैट ही मेड अ लॉट ऑफ मनी तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसने बहुत धन अर्जित कर लिया मतलब बहुत सारा पैसा बना लिया एज अ ईयर्स वेंट बाय ही लेड बाय मोर एंड मोर रिचेस और जैसे जैसे ईयर्स पास होते चले गए साल गुजरते चले गए वो और भी ज़्यादा रिच होता चला गया धनी बनता चला गया बट द डे केम वैन ही फैल्ट दैट ही लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड तो अब दिन आया जब उसको ये एहसास हुआ ये महसूस हुआ कि अब जितने भी टाइम बचा है उसकी लाइफ में मींस अब वो ज्यादा नहीं जिएगा मींस उसको लग रहा था कि मेरी उम्र ढल रही है मैं ओल्ड हो गया हूँ तो ज्यादा लाइफ मेरी नहीं बची है ही बिगेन टू वंडर वॉट शुड डू विद मनी तो अब ये सोचने लगा विचार विमर्श करने लगा वो खुद से कि अब मैं अपने जो मैंने इतना पूरी जिंदगी धन कमाया है अपनी पूरी लाइफ मैंने अपने धन कमाने में गुजार दी अब मैं करूँ क्या इस धन का इस मनी का क्या करना चाहिए मुझे ठीक है नाउ ही है टू सन्स तो उसके दो पुत्र थे उसके दो बेटे थे ही मेड आप हेज माइंड दैट ही वुड नॉट डिवाइड इज मनी बिटवीन दैम लेकिन अब होता गया कोई पिता अपने जितने उनके बच्चे होते हैं वो उतने में अपना धन बांटने की सोचते हैं कि भाई मेरे तीन बेटे हैं तो मैं तीनों में धन को बांट दूंगा लेकिन यहाँ पर व्यापारी था वो तो उसने क्या सोचा कि मैं अपने धन को इन दोनों के बीच में नहीं बांटूंगा बट दैट ही वुड गिव इट ऑल टू द वन हु प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द द्लेवर ऑफ द टू तो उसने डिसाइड किया मैं अपना धन अपनी सारी संपत्ति अपने केवल एक ही पुत्र को दूंगा।, दूंगा और वो भी उसको जो उन दोनों में से ज्यादा चतुर होगा ठीक है The problem to be solved was that of finding out which of the two sons was the cleverer. तो अब प्रॉब्लम ये थी कि अब वो ये सोच रहे थे कि अब मैं कैसे पता करूं कि मेरे दोनों बेटों में से कौन सा बेटा ज़्यादा चतुर है, ठीक है? He decided to solve this problem by giving them, giving them a test. तो उसने decide कर लिया कि उसको अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है. तो उसने सोचा कि अब मैं उन्हें एक test दूँगा. मतलब उनकी एक परीक्षा लेता है वो. और जो भी उस परीक्षा में पास होगा वही क्लेवर होगा उसी को मेरी सारी संपत्ति मिलेगी तो ऐसा उस मर्चेंट ने सोचा कॉलिंग द यंग मैन ही टू आर होना चाहिए पे टो तो लिखा हुआ है टी डब्ल्यू ओ होना चाहिए ठीक है मिस प्रिंट हो गया है सो कॉलिंग द यंग मैन ही सेट टू दैम उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा हेयर आर टू रूपीज यहाँ पे दो रुपए रखे हैं आई वॉन्ट यू टू टेक वन रुपी ईच एंड देन गो टू आउट सेपरेटली एंड बाइंग समथिंग विच विल फिल दिस हाउस तो उन्होंने ओल्ड मर्चेंट ने अपने दोनों बेटों से कहा कि यहाँ पे दो रुपये रखे हुए हैं अब तुम दोनों को एक एक रुपये उठाना है और मतलब जाओ बाहर जाओ और ऐसी अलग अलग जगह पर जाओ और खरीद करके लेके आओ ऐसा सामान जिससे कि एक एक रुपये में ही मतलब ऐसा सामान खरीदो जिससे पूरा घर भर जाए ठीक है यू आर नॉट टू स्पैंड मोर देन वन रुपी और तुम्हें एक रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है तो यहाँ पे ये टेस्ट रखा ओल्ड मर्चेंट ने अपने दोनों बेटों के आगे पैरा फोर्थ द टू सन्स लुक एट हिम एज इफ ही टेकन लीव ऑफ़ ऑफ़ सेंस सेंस लीव मींस अपने सेंस में नहीं हो मतलब उसका दोनों बेटे उसकी तरफ ऐसे देखने लगे कि भाई दिमाग खराब हो गया हमारे पिताजी का कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं हाउ कैन वी पॉसिबली बाय इनर्व ऑफ एनीथिंग टू फिल द हाउस विद ओनली वन रुपी तो वो बोलते हैं कि मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि हम पूरे घर को भर दें सामान से ऐसा सामान खरीदे वो भी एक रुपए से दे आस्क देम सेल्व एंड दे व रिल यू कैन टू पिक अप द रुपे ठीक है तो उन्होंने ऐसा खुद से पूछा कि मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम एक रुपए से ऐसा सामान खरीदे जिससे पूरा घर भर जाए एंड दे वर रेक्यून टू पिक अप द रुपी और वो मतलब मजबूर हो गए जब उनके पिताजी ने बोला था तो उन्होंने वो एक एक दोनों ने ले लिए बट ओल्ड मैन मतलब वो मना कर रहे थे कि मतलब इस तरह से रुपए में कोई सामान नहीं आएगा, ठीक है उस चीज के लिए। बोल रहे थे वो तो ओल्ड मैन ने उन्हें इंसिस्ट किया कि भाई तुम वैसा ही काम करो जैसा तुमसे कहा गया करने के लिए ऑफ यू गो ही सेड उसने बोला अब तुम जा सकते हो एंड टेक टू लॉन्गर ओवर द बिजनेस आई एक्सपेक्ट

बट नथिंग कुड ही फाइन विच वुड इन एनी वे सर्व हिज पर्पज तो जो पहला उसका जो बेटा था वो पूरे बाजार में घूमता रहा भटकता रहा लेकिन उसे ऐसी एक भी चीज़ नहीं मिली जो उसके पर्पज को सॉल्व कर सके ठीक है मतलब उसे ऐसे कोई भी सामान नहीं मिला जो एक रुपये में खरीद ले और उससे उसका घर भी भर जाए ऑल डे लॉन्ग ही वंडर्ड अबाउट लुकिंग इन ऑल द शॉप्स नथिंग कुड ही फाइन तो पूरे दिन वो भटकता रहा वंडर्ड इट मीन्स होता है भटकते रहना ठीक है लुकिंग इन द शॉप्स सारी दुकानों में ढूंढता हुआ देखता हुआ नथिंग को रिफाइंड लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला ही बिकेम मोर एंड मोर सर्टेन डेट समथिंग हैड गोन रॉन्ग विद दिस फादर अब वो इस चीज़ को मतलब बहुत निश्चित हो गया था सारी दुकानें उसने ढूंढ डाली सारा बाजार ढूंढ दिया उसे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली तो उसके दिमाग में अब यही चीज़ आ रही थी कि मेरे पिताजी के साथ जरूर कुछ तो गलत हुआ है क्योंकि पूरा मार्केट मैंने देख लिया मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि मैं एक रुपए में अपने घर को भर सकूं ऐसा सामान से खरीद करके ही ही अबाउट टू गिव अप हिज सर्च वो अपनी आशा means छोड़ने ही वाला था वो वापस जाने ही वाला था कि ऐसा कोई सामान नहीं है जो मैं एक रुपये में खरीद लो जिससे घर भर जाए वेन ही अ बुलक कार्ड विद लोड ऑफ हे तभी उसने एक बुलक कार्ड देखी एक बुलक कार्ड देखा होगा बैलगाड़ी विद अ लोड ऑफ हे हे मींस होता है भूसी तो उसने एक बैलगाड़ी देखी जो भूस से भरी हुई थी ठीक है हे हे मींस भूसी दैट लुक्स होपफुल तो उसको थोड़ी आशा सी बंधी भैया ही थॉट आई वंडर्ड हाउ मच हे आई कैन गेट फॉर अ रूपी तो लेकिन वो सरप्राइज होता है वो मतलब सोचने लगता है कि मैं इतना सारा जो भूसा है ये एक रुपए में कैसे खरीदूं वेंटअप टू द ड्राइवर ऑफ द कार्ट वो उस कार्ड के बुलेट कार्ड के ड्राइवर के पास गया एंड इंक्वायरी अबाउट द प्राइज ऑफ द हे और वो पूछताछ करने लगा उस भूसी के मतलब मोलभाव करने लगा देर वॉज अ गुड डील हैंगलिंग ओवर द प्राइज बट इट द एंड वॉज एबल टू बाय द लोड ऑफ हे फॉर रुपी सो मतलब बहुत दोनों के बीच में हुई रुपो को लेकर के कि भाई बार्गेनिंग टाइप हुई ठीक है मोलभाव तो एट द एंड वो जो उसका बेटा था वो मतलब उसने मना लिया ड्राइवर को कि एक रुपये में अपने उसकी सारी भूसी खरीदने के लिए दिस वॉज इन द डेज वन रुपी वुड बाय अ ग्रेट डील वो डैन इट वुड बाय नाउ इसका मतलब ये है कि उस समय की बात है ये कि जब एक रुपये की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी ठीक है सो द यंग मैन लेड ऑफ द कार्ड विद द हे टू हिज फादर्स हाउस कार्ड नहीं है कार्ड होगा जरूरी है जरूरी यहाँ पर हाँ तो यहां पे जो लड़का है वो अब ले आया कार्ड को ठीक है उस गाड़ी को से भरी हुई अपने फादर के घर में हाउस वो मतलब उसको लेके आ गया घुसी को पूरे अपने घर में बट वैन इट वॉज ऑल इन ही फाउंड दैट देयर वॉज नॉट इनफ टू कवर इवन द फ्लोर लेट अलोन फिल विद होल हाउस तो अब जब उसने अपनी सारी भूसी को भूसे को अंदर घर के भर दिया तो उसने देखा कि ये तो कम पड़ रही है मतलब कि ये तो उसके पूरे घर के फर्श को फ्लोर को भरने के भी उपलिए उपयुक्त नहीं है तो उसने छोड़ा छोड़ो ठीक है जितनी हो गई उतनी हो गई When the second son went out with his rupee, तो अब क्या हुआ अब सेकेंड सन उसका जो दूसरा बेटा था जब वो गया था एक रुपए के साथ ही डिड नॉट गो स्ट्रेट वे टू द बाजार वो बाजार की तरफ नहीं गया

बहुत लंबा समय गुजर गया इवनिंग का टाइम भी आ गया एंड आइडिया हिम तो तभी उसको एक आइडिया उसके दिमाग में आया टेकिंग हिज ही क्विकली डाउन द बाजार तो तब भी वो अपने उस एक रुपए को लेकर के जल्दी से बाजार की तरफ गया और उस शॉप पर गया जहां पे कि कैंडल्स बिक रही थी मोमबत्तियां बिक रही थी ही स्पेंट हिज रुपी ऑन कैंडल्स उसने अपना एक रुपया सारी कैंडल्स खरीदने में खर्च कर दिया और विच ही गॉट क्वाइट अ नंबर और जिससे एक रुपए से उसको काफी मतलब संख्या में कैंडल्स मिल गई देन टेकिंग हिज कैंडल्स विद हिम ही मेड हिज वे बैक टू हिज फादर्स हाउस और वो सारी अपनी कैंडल्स को लेकर के अपने पिताजी के घर चला गया When he got there, his brother was standing disconsolately, looking at the hay spread out on the floor. और जब वो घर पे पहुंचा अपने तो उसने देखा कि उसका भाई मतलब disconsolately उसको मतलब हेगो जो भूसा था उसको बिखराए हुए जमीन पे वहां पे उसको खड़ा हुआ और वो उसका भाई दिखाई दिया His brother was standing disconsolately looking at the the hay spread out on the floor. So जैसे कि मैं आपको बताया वो जैसे ही अपने घर पे पहुंचा तो वो देखता है कि उसका भाई पूरी भूसी को फर्श पे बिखेर करके वहां पे निराश हुआ खड़ा है ठीक है It was now getting dark. अब अंधेरा हो चुका था means अंधेरा तो तब भी उसके बेटे ने, दूसरे बेटे दूसरे जो लेकर के आया था, उसने क्या किया? दो तो और तीन, किसी में, रूम में, दो, तो, हर एक रूम में उसने लगा दी और उनको जला दिया एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विद लाइट अब अंधेरे का टाइम हो गया था तो उसने सारी कैंडल्स लगा दी उन्हें जला दिया तो जल्दी ही क्या हो गया पूरा घर रोशनी से भर गया

तो अब वो अपने बेटों को बताता है कि हम एक बड़े घर में रहते हैं जिसको कि हम क्या बोलते हैं अपनी कंट्री बोलते हैं जिसमें हम रहते हैं अपना देश वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन सम रुपी रुपी सम 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 एंड वो बोलते हैं वी हैव ईच ऑफ अस कि हम सभी के पास है यानी कि हम सभी को मिलते हैं हमें दिए जाते हैं किसी को एक एक रुपया मिलता है कभी किसी को दो दो रुपये मिलते हैं किसी को थ्री थ्री रुपीज और किसी को फोर फोर

पावर्स ऑफ माइंड पावर्स ऑफ कैरेक्टर हम प्रत्येक व्यक्ति में किसी ना किसी तरह की पावर होती है किसी में पावर होती है बॉडी की उसके शरीर की किसी में पावर होती है माइंड की किसी में पावर होती है उसके कैरेक्टर की ठीक है मीन्स पावर ऑफ बॉडी मीन्स कोई शक्तिशाली इंसान होता है पावरफुल होता है उसमें ताकत होती है लेकिन किसी में पावर होती है माइंड की पावर मीन्स कोई अपने बुद्धि का यूज़ करता है अपने कामों को करने में चीज़ों को सॉल्व करने में अच्छा काम करने में किसी में पावर होती है उसके कैरेक्टर की मीन्स उसके चरित्र की तो हमारे अंदर कोई ना कोई एक पावर होती है ईच अस हैज स्ट्रेंथ टाइम इंटेलिजेंस विच कैन बी यूज हम सभी के पास क्या है ताकत है टाइम है उतना ही टाइम है उतनी ही सबके पास समझ है दिमाग है सबका विच कैन बी यूज जो हम यूज कर सकते हैं एज वी लीव स्कूल एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टै विच वी पोजेस और जब हम अपने स्कूल छोड़ते हैं हम अपने स्कूल से मतलब शिक्षा ग्रहण करके हम बाहर निकलते हैं इस वर्ल्ड में इस समाज में तो हमें टेस्ट किया जाता है जगह जगह कि हम किस तरह से अपने उन टैलेंट्स का यूज करें जो हमारे पास है ठीक है आर वी गोइंग टू यूज दैम टू बाई यूजलेस है क्या हम उनको अपनी जो पावर है अपनी शक्ति है जो हमें कुछ मिला है उसका हम क्या यूज करें फालतू की भूसी को खरीदने में जो यूजलेस है जिसका कोई यूज़ नहीं है, और वी गोइंग थ्रू आउट आर हाउस और हम यूज करें अपने टैलेंट का अपनी शक्ति का जो हमारे पास है किसको खरीदने में अच्छी चीजों को खरीदने में उसका सही यूज करने में जो हमारे घर को दैट इज़ आर कंट्री जो हमारे देश है उसको प्रकाशवान बना सके ठीक है इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स एंड वी शेल यूज आर पावर्स एंड एबिलिटीज टू ट्राई टू स्प्रेड लाइट इन टू ऑल पावर्स आवर कंट्री दैट इज वी शैल स्प्रेंड आवर से सर्विस ऑफ आवर कंट्री तो यहाँ पर बोलते हैं राइटर कि इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन अगर हम अच्छे सिटीजन्स अच्छे अपने नागरिक देश के बनना चाहते हैं तो हमें अपनी पावर्स का अपनी शक्ति का अपनी केपेबिलिटी का अच्छा यूज़ करना होगा सही तरीके से यूज करना होगा किस काम में लाइट को स्प्रेड करने में प्रकाश को पह, फैलाने में अपने ह, देश के अपने कंट्री के हर एक पार्ट को पार्ट में अपने जो हमारे अंदर कैपेसिटी है उसका यूज करते हुए प्रकाश को मींस रोशनी बिखेर दें हम अपने देश के हर एक हिस्से में ठीक है इसका मतलब क्या है वी शैल स्पेंड आवर सेल्स इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री हमें यूज करना चाहिए खुद का अपनी शक्ति का किन कामों में अपनी कंट्री को अच्छा बनाने में उसके काम करने में अपनी कंट्रीज को सर्व करने में अपनी शक्ति का अपनी पावर का अपने टैलेंट का यूज करना चाहिए नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन्स कोई भी कंट्री कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता जब जब तक कि उसके सिटीजन्स उस देश के नागरिक अच्छे नहीं होंगे उस देश के नागरिक अच्छे हैं तो देश जल्दी तरक्की कर लेता है उस देश के सिटीजन गंदे हैं अच्छे काम नहीं कर रहे हैं उस देश को डाउन करने में लगे हुए तो तो देश जल्दी तरक्की नहीं कर सकता तो नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज गुड सिटीजन्स तो कोई भी कंट्री जब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास अच्छे नागरिक नहीं है सो दैट इफ वी लव आवर कंट्री एंड वॉन्ट टू सर्व इट वी शैल ट्राई टू बिकम गुड सिटीजन्स तो इसलिए अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं इफ वी लव आवर कंट्री इफ यू वॉन्ट टू सर्व इट अगर हम उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें अच्छा नागरिक बनना होगा वाइल बी अर एट स्कूल दिस इज वॉट वी शुड बी डूइंगी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्व इन सिटीजनशिप एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन इफ दिसन वैन वी लीव स्कूल एंड होम एंड गो आउट इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री वी शेल बी एबल टू फिल इट विद गुड सिटीजनशिप सो so, यहाँ पे वो बोल रहे हैं वाइल वी आर इन स्कूल जब हम स्कूल में होते हैं दिस इज़ वॉट वी शुड बी डूइंग हम क्या करते हैं हमें क्या करना चाहिए वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्स इन सिटीजनशिप हमें अपने आप को ट्रेन करना चाहिए हमें अपने आप को सिखाना चाहिए नागरिकता के रूप में एंड कल्टिवेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सिटीजन और एक अच्छे नागरिक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अच्छी गुण होते हैं उनके विशेषताएँ होती हैं वो अपने अंदर हमें डालने चाहिए ठीक है इफ़ वी डू दिस दैन वैन लीव स्कूल एंड गो and home and go out into different parts of our country we shall be able to fill it with the light of good citizenship. अगर हम ऐसा कुछ काम करते हैं अपने अंदर अच्छी आदतों को डालते हैं और तो फिर उसके बाद जब हम स्कूल को छोड़ते हैं घर को अपने घर से बाहर निकलते हैं इस वर्ल्ड में ठीक है इस कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में तब हम प्रकाश को अच्छे प्रकाश को इस अ, हम अपनी कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में फैलाने के योग्य हो पाएंगे ठीक है फ्रेंड्स सो यहाँ पे थर्टीन पैरा हो गए हैं आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पसंद आई हो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेगा लाइक like करने में आपका कुछ भी नहीं जाता ठीक है हमें मोटिवेशन सॉरी हमें थोड़ी सी मोटिवेट करेगा, करेगा बूस्ट करेगा या एनर्जी बूस्टर की जैसे काम करेगा और शेयर ज़रूर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिससे उनकी भी हेल्प हो सके सब्सक्राइब जरूर करेगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस ना करना भूलिएगा ठीक है क्योंकि तभी आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाएंगे So friends.